आरजू जी मौलाना मसूद अजहर कहीं पर भी हो, वो कनाडा में बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पाकिस्तानी सिटीजन है, उसको पाकिस्तानी स्टेट ने पैदा करा है, पाकिस्तानी स्टेट ने ट्रेन करा है, पाकिस्तानी स्टेट ने फंड करा है। कि ये जो एक हंगामा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान को लेटर लिखा है मसूद अजहर के लिए, आज की तारीख में ये दिखावा है, ये मुखौटा है कि हमारे पास नहीं है वो, कि हमारे पास नहीं है, आप हमें वापस दीजिए, ये दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि अक्टूबर में फिर FATF खड़का रहा है उसको। लेकिन दुनिया अब जान चुकी है पाकिस्तान की असलियत, किस तरीके से पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता चलाया है, आज से नहीं, कई सालों से, 30-40 साल की पॉलिसी रही है इसका। एक टेररिज्म एक इकोसिस्टम है पाकिस्तान का, इससे लोग पैसे कमाते हैं। आप अभी अभी आप मैंने ट्वीट करा था, डॉन न्यूज का एक आर्टिकल कुछ समय पहले मैंने ट्वीट करा था आजू जी, जिसमें डॉन न्यूज वालों ने यही बताया है कि अमेरिका ने बोला है उनको, पाकिस्तानियों को, जो 450 मिलियन का हमने आपको जो असिस्टेंस दिया है F-16 के लिए, वो आप किस पे इस्तेमाल करेंगे, आप टेररिस्ट को मारिए उससे, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के लिए बोला है। तो मैंने आपको बताया ना, तो ये देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, फिर वही चीज कर रहा है, आतंकवादियों को भी साथ लेके चल रहा है और एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के लिए भी पैसे ले रहा है अमेरिका से, और वो कह रहा है कि हम आपसे एसेट्स लेंगे, हम उनको भी मारेंगे, पाल रहा है, मार रहा है, वो दोबारा वो इकोसिस्टम पाकिस्तानी स्टेट ने शुरू कर दिया। तो ये छोटी सी कहानी थी जैश मोहम्मद के बारे में, ये मुझे लगता है बिल्कुल फ्रॉड है मामला, पाकिस्तान को पता है वो कहाँ है, पाकिस्तान ने ही भेजा होगा उसको कि तुम चले जाओ, अब उसको अब अफगानिस्तान में कौन जा रहा है ढूंढने के लिए, पाकिस्तान ही कह सकता है, हमने उसको बोला है कि तुम जाके कंधार में बैठ जाओ एक घर में आराम से चुपचाप, राइट। और जो FATF वाले आएंगे या कोई, वो पाकिस्तान बोल देगा यूनाइटेड नेशंस को कि पूरे पाकिस्तान में आपको इजाजत है, आपको कहीं पर भी जाना है, किसी भी घर में तलाशी लेनी है, आप आराम से जाइए और पूरे पाकिस्तान में ढूंढिए, अगर आपको मिल जाता है मौलाना मसूद अजहर तो आप वहीं पर उसको गोली मार दीजिएगा हमारी तरफ से, पाकिस्तान ऐसा कह देगा, वो है ही नहीं वहां, वो तो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान क्या काम है पता लगा, वो अफगानिस्तान में, हमने चिट्ठी लिखी है भाई आप क्या कर सकते हैं, सॉवरन मुल्क है अफगानिस्तान, हम तालिबान पर चढ़ाई कर देंगे उसको लाने के लिए, अगर आपकी हिम्मत है आप चढ़ाई कर दो। तो यू नो दे हैव बटर्ड बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेड, ये टोस्ट को वैसे खाएं, उन्होंने दोनों तरफ मक्खन लगा रखा है और यही चल रहा है वहां पे। सांसद मेजर साहब, आपको अगर याद हो तो परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी एक टाइम पे ये कहा था कि मसूद अजहर और साथ साथ हाफिज सईद ये सब जो हैं हमारे हीरो हैं, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो आपके ख्याल से अब इस वक्त क्या अमेरिका को या किसी को समझ नहीं आ रही कि जिनको हम हीरो मानते हैं, पाकिस्तान के लोग भी बहुत से ऐसे हैं पब्लिक में से भी जो हीरो मानते हैं इनको, उनको ये दे देंगे बड़ी आसानी से कि हाँ जी ठीक है आपने क्योंकि टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है जिसको हमने कभी माना ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया था, बल्कि चाइना ने तो बड़ा साथ दिया था इस सब चीजों में पाकिस्तान का। आरजू ऐसा है, अमेरिका को नहीं चाहिए, अमेरिका को मौलाना मसूद अजहर का अमेरिका क्या करेगी, अमेरिका को थोड़ा ना चाहिए मौलाना मसूद अजहर, वो तो इंडिया को चाहिए। अमेरिका को यह पता है कि देखिए बात यह है कि अगर वो इंडिया का हवा इंडिया को कर सकते हैं, अगर वो इंडिया को हैंडओवर कर देते हैं, ठीक है, इंडिया को आपने हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, मौलाना मसूद अजहर हैंडओवर कर दिया, आरजू जी 2 घंटे के अंदर ये लोग गाना गाना शुरू कर देंगे तीनों के तीनों, और बता देंगे पूरा चिट्ठा पर्चा कि हाँ हम उस आर्मी चीफ से मिले थे, वहां से इतने पैसे आए थे, ये हमारा पासवर्ड है, यहां पे देखो पूरी डिटेल्स। तो पाकिस्तानी डीप स्टेट पूरा एक्सपोज हो जाएगा, तो पाकिस्तान कभी हैंडओवर नहीं करेगा। अमेरिका इनको इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि इन्होंने अमेरिका को कभी टारगेट नहीं करा, ना दाऊद ने अमेरिका को टारगेट कराया, उसने भी इंडिया को टारगेट करा था, खासतौर से 1993 बॉम्ब ब्लास्ट जो सबसे बड़ा टारगेट था, लश्करे तैयबा, हाफिज सईद वाला, जैश मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर, ये जो 3-4 लोग हैं, मैं अभी हिजबुल मुजाहिदीन वाले जो हैं सैयद सलाउद्दीन, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा और मैं और बाकियों की बात नहीं कर रहा, हैं कई सारे, मैं 3 चीफ लोगों की बात कर रहा हूं जो मुख्यतर लोग हैं वहां पे। तो अब जो ये अमेरिका क्या करेगा इनको लेकर, जब तक अमेरिका को पता है कि ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान को ये पता है कि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के कंट्रोल में अफगानिस्तान में, तो अमेरिका गर्दन पकड़ सकता है ना पाकिस्तान की। एक आप एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान कल कहता है कि ठीक है दाऊद इब्राहिम मर गया, ये उसकी लाश देख लो, मसूद अजहर मर गया, ये इसकी लाश देख लो, और हाफिज सईद मर गया, इसकी लाश देख लो, तो अमेरिका फिर कौन सी चाबी लगाएगा इनको? तो साफ हो गया ना मामला, आपने अपना टेररिज्म का जो ज्यादातर नेटवर्क है आपने खत्म कर दिया, अमेरिका को तो चाबी लगा, अमेरिका ने 450 मिलियन, मुझे काफी इंडियंस ने बोला कि नहीं अमेरिका ने इसलिए दिया है क्योंकि इंडिया के खिलाफ यूज नहीं करेगा,
आपकी भी पिछली शो में आपने ये बात बोली थी कि इंडिया में इंडिया के लिए है ही नहीं है, इंडिया के लिए है ही नहीं है ये जो F-16 वाला मामला है अमेरिका के, वो प्राइस करके है कुछ, मैंने ट्वीट करा उसमें, मैं नाम भूल गया, स्पोक्स पर्सन ने साफ तौर से करा है कि दीज वी हैव गिवन फॉर एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, आप काम पे लगी है, वही डू मोर, पुरानी चीज, डू मोर, आपको चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो ठीक है हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ करेंगे तो आपका हाफ ऑफ योर एयर फ्लीट विल कम डाउन, आपका खत्म हो जाएगी एयरफोर्स, उड़ी नहीं सकती, 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है आपकी, विदाउट मेंटेनेंस इट कैन नॉट फ्लाई। आपको लगता है अगर ये मसूद अजहर की लाश दिखा दें जी हमने इसको मार दिया, या फिर सईद को दिखा दें, या किसी इवन जवारी को भी अगर दिखाया है, तो जो उनकी एक्टिविटीज थी या जो इनकी एक्टिविटीज हैं टेररिज्म को लेकर जिस तरह के ये हरकतें करते रहे, क्या वो रुक जाएंगी? सिर्फ इनके हेड्स को अगर मार दिया जाए, ये तो बहुत तादाद में इन्होंने तब टीम बना ली होगी ना अपनी। देखिए बात यह होती है कि फिगर से लोग जाने जाते हैं, जैसे लश्करे तैयबा में हम जानते हैं हाफिज सईद, अब किसी भी हिंदुस्तानी से पूछ लीजिए सबको हाफिज सईद का नाम पता है, हाफिज सईद का नंबर टू कौन है किसी को नहीं पता, हो सकता है मुझे पता हो आपको पता हो क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, लेकिन लोगों को नहीं पता है, पीपल आइडेंटिफाई अ टेरर आउटफिट बाय इट्स हेड, अलकायदा, ओसामा बिन लादेन, ऐमान अलजवेरी, ठीक है, ये एक एक मतलब हमारे दिमाग में ऐसी बात होती है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि ये पर्सनालिटी रन आउटफिट्स होती हैं ज्यादातर टेरर आउटफिट्स, और टेरर आउटफिट्स में ये भी देखा, अब देखिए अलकायदा, अलकायदा में जब से ओसामा बिन लादेन को मारा है अलकायदा बिल्कुल हाफ से भी हाफ हो गई, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई, ठीक है ना, इस्लामिक स्टेट को देख लीजिए, इस्लामिक स्टेट्स के 3-4 ऊपर वालों को खत्म करा, वो खत्म हो गई, तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं खत्म हुई, उनके 3-4 लोगों को ड्रोन स्ट्राइक में उड़ा दिया था ऊपर वाले, जो ये इनके जो कबीले वाले हैं जो टॉप इनके बॉसेस थे उनको अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक से उड़ा दिया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्यों नहीं गए, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने घर में ऑपरेट कर रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज ऑपरेटिंग इनसाइड पाकिस्तान, जो कि उसका घर है, वो पाकिस्तानी तो है, वो सब पश्तून है, देवबंदी है, वो लोग वो वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, अलकायदा चाहती है कहीं और ऑपरेट करे, मल्टीनेशनल ऑपरेशन आप नहीं कर सकते ऐसे, इस्लामिक स्टेट चाहती है मल्टीनेशनल ऑपरेशन करे, आप नहीं कर सकते ऐसे, जो अफगान तालिबान है वो क्यों स्ट्रांग है, अफगान तालिबान कहती है कि हमें तालिबान हमें अफगानिस्तान से बाहर को मतलब नहीं है, अमेरिका जो करे हमें कोई लेना देना नहीं, तालिबान ने कभी किसी को बाहर जाके अटैक नहीं करा, उनके सारे अटैक या तो पाकिस्तान में होते हैं अफगानिस्तान में होते हैं, इसके अलावा उन्होंने तीसरे मुल्क पर कभी अटैक ही नहीं करा, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, जो कई पाकिस्तानी ये कह रहे थे ना कि तालिबान आएगा इंडिया के ऊपर अटैक करेगा कश्मीर, वो पीटीआई की जो खातून थी जो कह रही थी, आरजू जी अफगान तालिबान हैज नो इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव नो इंटरेस्ट, दे हैव नो इंटरेस्ट इन इंडिया, दे हैव नो इंटरेस्ट इन अमेरिका, वो कहते हैं हमारे मुल्क में मत आओ, बस उनका इतनी सी ख्वाहिश है कि आप हमारे मुल्क में मत आइए, बाकी आपको जो करना है अपने मुल्क में आग लगानी लगाओ, हमें छोड़ दो बस, दैट्स देयर ओनली पॉइंट। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर अगर हम साथ साथ ये बात करें कि क्या पाकिस्तान कह देगा कि यहाँ पर मसूद अजहर नहीं है, अफगानिस्तान में है, अमेरिका यकीन कर लेगा, इंडिया यकीन कर लेगा, या इंडिया की अपनी भी तो कोई इंटेलिजेंस होगी ना, क्योंकि आप लोगों के ज्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान में, जितना मर्जी किया हो लेकिन ज्यादा अटैक्स तो इन लोगों ने इंडिया में जाकर किए हैं, तो आपकी अपनी भी तो कोई इंटेलिजेंस होगी जो चेक कर रही होगी कि ये असल में है कहाँ पर, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देने से पाकिस्तान के हर कोई भरोसा तो नहीं करेगा। आरजू आरजू जी मौलाना मसूद अजहर कहीं पर भी हो, वो कनाडा में बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पाकिस्तानी सिटीजन है, उसको पाकिस्तानी स्टेट ने पैदा करा है, पाकिस्तानी स्टेट ने ट्रेन करा है, पाकिस्तानी स्टेट ने फंड करा है, उसके अभी भी मदरसे चलते हैं, उसके अभी भी मसाजिद हैं, बिल्कुल, उसका अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो अफगानिस्तान में बैठा है, हो सकता है काबुल में बैठा हो, सकता है कंधार में बैठा हो सकता है मजार शरीफ में बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो है वो पाकिस्तानी ना, है वो पाकिस्तानी, तो ठीक है पाकिस्तान विल बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड एफएटीएफ विल होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल, आप कितनी भी चिट्ठियां लिख दीजिए उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए पीपल, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जो पाकिस्तानी लॉजिक देते हैं ना पाकिस्तानी स्टेट में, पाकिस्तानी कहता हूं मेरा मतलब पाकिस्तानी स्टेट से, आवाम से नहीं है, जो पाकिस्तानी स्टेट लॉजिक देता है ना दुनिया को, ये कोई और मुल्क वैसा लॉजिक नहीं देता, ये अजीब सी बात करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, मतलब तो इंडियंस को भी काफी टाइम इंडियंस कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये बात क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे थोड़ा ना होता है, वो बोलेगा 2+2=17 है बस, अड़ जाएंगे उसके ऊपर कि 2+2 जो है वो 17 है, अब अड़ गए पाकिस्तानी, अब आप क्या कर लेंगे उसमें, अड़ जाते हैं इसमें, जबकि बाकी दुनिया कहती है यार ये बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, पूरा जो इमरान खान वाला वाकया चल रहा है,
इमरान खान ने बोला कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने हटा दिया क्योंकि मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोला। यही तो इमरान खान, इसी बेस पे तो इमरान खान ने पूरे मुल्क में आग लगा रखी है आपके, लगा रखी कि नहीं लगा रखी, पूरे मुल्क में आग लगा रखी है इमरान खान ने। किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ने इमरान से यह पूछा कि आप सबूत दिखाइए, अमरीका क्यों हटाएगा इमरान खान को, अमरीका को क्या इंटरेस्ट है आप में, क्या इंटरेस्ट है अमेरिका को इमरान खान में, इमरान खान को, आप इमरान खान को, आपसे मेरा मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोग उसको खुदा मानते होंगे, दुनिया थोड़ा ना उसको खुदा मानती है। आपको लगता होगा वो हाथ उठाता है तो बारिश हो जाती है, हाथ नीचे करता है धूप आ जाती है, पर दुनिया को ऐसा नहीं लगता है। द वर्ल्ड डज नॉट थिंक ऑफ इमरान खान लाइक दिस, ही इज अ क्रिकेटर हु हैपेंस टू बी अ पॉलिटिशियन, दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई, राइट। उसने एक बार वर्ल्ड कप जिताया तो क्या हुआ, धोनी ने तो दो दो वर्ल्ड कप जिताए, तीन तीन वर्ल्ड कप जिताए तो क्या हो गया। अब ऐसा थोड़ा ना कि धोनी को प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे, लेकिन ठीक है पाकिस्तानियों को क्रिकेट पसंद है, बना दिया उसने, ठीक है बना दिया आप। बट एक बात बताइए ना, उसने बोला कि मुझे अमेरिकन ने हटा दिया कुर्सी से, इमरान खान कभी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर ही नहीं सकता कि अमेरिका का इंटरफेरेंस हुआ था, पर उसने झूठ बोल दिया, उसने अपने खुद के बंदे की लिखी हुई कागज दिखा दिया, पाकिस्तानी कौम उसके पीछे चल गई। ये पूरा देखिए ना, ये पाकिस्तान में लगातार होता चला आ रहा है। आपका जो इतिहास है, आपकी जो तारीख है, आरजू जी भरी पड़ी है इन सब चीजों से, भरी पड़ी है। मैं आपको दसियों एग्जांपल अभी दे सकता हूं जहां पे लोगों से साफ झूठ बोला है कि ऐसा। आपको पता है ना, बड़ा फेमस चीज, मैं टेलीविजन पर कई बार बता चुका हूं, 16 दिसंबर को जब सरेंडर हुआ था 1971 में, ढाका में सरेंडर हुआ था, उसके एक दिन पहले डॉन न्यूज ने छापा था वी आर क्लोज टू विक्ट्री, हम जीतने वाले हैं, हम जीत की नहज पे खड़े हैं। जबकि 15 तारीख को सारी डिसीजन मेकिंग हो गई थी कि वी आर गोइंग टू सरेंडर टुमारो, कल हम पोस्ट लंच करेंगे, लंच के बाद हम जाकर सरेंडर के डॉक्यूमेंट साइन कर देंगे, जनरल अरोड़ा इधर होंगे और जनरल नियाजी इधर होंगे और ये आपस में साइन कर देंगे, ये स्टोरी हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने बोल दिया हम बस जीत की कागार पे खड़े हैं, बस कल जीतने वाले हैं, काफिरों की गर्दन काट देंगे। उन्होंने सब लोग वहां पर खुशियां मना रहे थे अचानक अगले दिन। तो ऐसी दसियों चीजें जहां पर झूठ बोला गया पब्लिक से, ये मसूद अजहर का वही केस है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल ये दुनिया को, ना सिर्फ बाकी दुनिया को बल्कि पाकिस्तानियों को भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है। पाकिस्तान के झूठे दावे से तालिबान और पाकिस्तान में एक बार फिर से ठन गई है। तालिबान ने सख्त लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में नहीं है, और बिना किसी सबूत के ऐसे झूठे दावे करने से दोनों के बीच में जंग छिड़ सकती है। तालिबान ने साफ कहा है कि हम अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए कि मसूद अजहर उसके पास नहीं है, बिना किसी सबूत के चिट्ठी लिखकर तालिबान से मसूद अजहर को सौंपने की बात कही है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि हमारी प्रतिबद्धता है कि हम किसी को भी दूसरे देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हम पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि वो बिना किसी सबूत के कोई भी दावा ना करे, क्योंकि इससे द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिना किसी सबूत के दावे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते। हमारे पास अजहर की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम निश्चित तौर पर उसकी तलाश करेंगे, ऐसा हम अपनी संतुष्टि के लिए करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। मसूद अजहर पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है, जिसमें हमने 40 जवान अपने खो दिए थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।